हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा मर्चेंट। मेरे लर्न एंड अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ हक्का नूडल्स। तो चलिए बनाते हैं हक्का नूडल्स। हक्का नूडल्स बनाने के लिए अगर हमारे पास एक पैकेट है तो एटलीस्ट 2 लीटर जितना पानी हमें गर्म करना है। पानी में जैसे ही बॉयल आ गया, नूडल्स को थोड़ा ब्रेक करके डाल देना है हमें। पहले फास्ट चूल्हे पर रखना है, 1 चम्मच नमक डाल देना है, स्लो कर देना है फ्लेम को, और 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है ताकि हमारे नूडल्स चिपके नहीं, और बीच बीच में ज़रा हिलाते रहना है उसको। एटलीस्ट 8 से 10 मिनट में जैसे हम चावल पकाते हैं वैसे पका लेना है, और चम्मच से ब्रेक करके देख लेना है कि पक गया है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होना चाहिए। अभी लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास है तो उसमें 3 से 4 चम्मच हमें ऑयल गर्म करना है। सादे नॉनस्टिक में भी आप कर सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में फ्लेवर अच्छा आता है। फिर उसमें 2 टेबलस्पून हमें चॉप किया हुआ गार्लिक लेना है, और जिंजर 1 टेबलस्पून। दोनों को थोड़ा फ्राई करना है हमें, बहुत लाल नहीं करना है। और ग्रीन चिली पेस्ट है 1 टेबलस्पून। ये स्पाइसी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 4 टेबलस्पून हमें सोया सॉस डालना है। फ्लेम हमें स्लो ही रखना है। रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब वेजिटेबल्स हमें कैरेट है और कैबेज है लंबा कटा हुआ डालना है, 1-1 कप जितना। उसको डाल के थोड़ी देर हमें अच्छी तरह से मिक्स करके पकाना है कि थोड़ा सा वेजिटेबल्स हमारा कुक हो जाए। तीन चार मिनट के बाद शिमला मिर्च डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है उसको। फिर 1 चम्मच नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर अगर आप नॉनवेज बना रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम जैसा चिकन बॉईल करके श्रेडेड करके हमें डालना है। अगर वेज बना रहे हैं तो आप चिकन मत डालिए। फिर जो नूडल्स हमने पकाए थे छलने में निकाल के उसको हमें इसमें ऐड कर देना है। ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये नूडल्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बच्चे के तो बहुत ही फेवरेट रहते हैं ये। इसको ऐसे 2 चम्मच से आप मिक्स करके हिलाएंगे तो अच्छी तरह से मसाला सभी में मिक्स हो जाएगा। ये हमारे चाइनीज हक्का नूडल्स रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है सर्व करने के लिए। आप बनाइए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी सभी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए।